सो डोमेन नेम क्या होता है? कई सारे बिगनर्स जो कि वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो शुरू में सर्च करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि एक डोमेन लेना पड़ता है, एक होस्टिंग लेनी पड़ती है। अब डोमेन नेम एक्जैक्टली होता क्या है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो ये हमारा पहला लेक्चर है हमारे वर्डप्रेस कोर्स का, फ्री वर्डप्रेस कोर्स का, जिसको पूरा कोर्स देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और यदि वेबसाइट पर देख रहे हो तो चलो शुरू करते हैं कि डोमेन नेम होता क्या है। सो बेसिकली डोमेन नेम एक नाम होता है आपकी वेबसाइट का, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट का है monklearning.com। अब होता क्या है कि आपका कोई घर का एड्रेस है, आप मैप के ऊपर कोई चीज सर्च करते हो, लोकेशन फॉर एन एग्जांपल आपके घर की लोकेशन दिखाता है, तो वो ना डॉट्स के अंदर होती है, लाइक 68.72.ye.ye.ye, इस तरीके से आपकी एक लोकेशन होती है। अब उसी तरीके से इंटरनेट पर रेंडमली बहुत सारी आईपीज होती है, लाइक 192.168.53.6 और पता नहीं एज लॉन्ग कई सारी आईपीज जाती है। अब एक DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम। अब वो किस तरीके से काम करता है, जैसे कि आप लोग monklearning.com के ऊपर आपने ब्राउजर में टाइप किया, ये होता है आपका डोमेन नेम। अब DNS क्या करता है, डोमेन नेम सिस्टम मिलीसेकंड्स के अंदर एग्जैक्टली उस IP के ऊपर इसको भेज देता है जो IP आपकी वेबसाइट को लोकेट हुई है, जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, जिस IP के ऊपर आपकी वेबसाइट बनी हुई है। सो बेसिकली आपकी कोई भी वेबसाइट की IP हो सकती है जो कि आपको लोकेट हुई हो, 192.168.64 पता नहीं कुछ भी हो सकती है, बट डोमेन नेम सिस्टम जैसे ही आप वो नाम टाइप करते हो monklearning.com, डोमेन नेम सिस्टम मिलीसेकंड्स में उसको ट्रांसफर करता है और उस आपको भेज देता है उस पर्टिकुलर IP के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, बेसिकली आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है वो डोमेन नेम कहलाता है, इतना ही रखना है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट हम लोगों को नहीं करना है। अब डोमेन नेम मेरा है monklearning.com, rohitzarada.in, rohitzarada.com एंड इस तरीके से आपकी वेबसाइट का हो सकता है। अब डोमेन नेम तो हो गया monklearning, अब लेकिन जो ये लास्ट में .in आ रहा है, .com आ रहा है, .org होता है, .net होता है, .co.in होता है, .edu होता है, ये सब चीज़ें क्या है, ये बेसिकली कहलाती है डोमेन एक्सटेंशंस। बेसिकली आपके नाम के पीछे जो भी आप .com लगाते हो, .in लगाते हो, .org लगाते हो, .co.in लगाते हो, .net लगाते हो, .uk लगाते हो, .us लगाते हो, बहुत सारे लाइक डोमेन एक्सटेंशन है, लाइक .tech हो गया, .online हो गया, इस तरीके से डोमेन एक्सटेंशन डेली के नए नए बन करके आते हैं। सो बेसिकली आपका डोमेन जो पूरा एक्सटेंशन के साथ होता है वो होता है, जैसे कि मेरा है monklearning.com। सो नाम हो गया monklearning, एक्सटेंशन हो गया .com और पूरा का पूरा कंप्लीट डोमेन हो गया monklearning.com। सो बेसिकली इतना सा सिंपल सा फंडा है कि एक डोमेन नेम होता क्या है। उम्मीद करूंगा आप लोग डिटेल में समझ चुके होंगे कि एक डोमेन नेम एग्जैक्टली होता क्या है। अब आगे के लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे कि होस्टिंग एग्जैक्टली होती क्या है, पर उससे पहले मेरा एक एडवांस कोर्स है, जैसे कि तुम सभी लोगों को पता है एडवांस लाइक वर्डप्रेस का कोर्स है, एजेंसी का कोर्स है। अब इसके बारे में मोर डिटेल्स चाहिए तो आप लोग लाइक क्लिक कर करके जा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं बटन मिल रहा होगा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसकी कॉस्ट है 499 रुपीज़। इसको फ्री में कैसे लेना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर के देखो अभी आप लोग इसको फ्री में किस तरीके से ले सकते हो, जल्दी से जल्दी जाकर के देख सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, लाइक कर देना, कमेंट्स में बताना कैसी लगी, शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और फ्यूचर वीडियो में, बाय बाय।